राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार पर जमानत दे दी थी और सजा को निलंबित कर दिया था। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के, दुमका देवघर को चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन तीनों मामलों में 23 दिसंबर 2017 से वो जेल में है। बता दें कि लालू प्रसाद डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैटी लीवर, पेरिनल इन्फेक्शन, हाइपर यूरिसीमिया, किडनी स्टोन, फैटी हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में न रखकर रिम्स में पैंग वार्ड में भर्ती कराया गया। बता दें कि लालू प्रसाद ने 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान पहले झारखंड हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि देवघर कोषागार के अवैध निकासी मामले में सीबीआई के स्पेशल रिपोर्ट ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू प्रसाद सजा की करीब आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की अवधि जेल में काटने पर सजा याफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। किलांचल टाइम्स से सुरभि मिश्रा की रिपोर्ट।